हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोमास कैफे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आप लोगों के लिए गणेश जी की बहुत ही प्रिय भोग मोदक की एक रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैं स्टफिंग बनाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई पे 2 चम्मच घी गरम कर लिया है और उसमें डाल दिया है 1/4 कप सूजी और 1/4 कप कोकोनट का पाउडर। अब मैंने इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पर फ्राई कर लिया है। इसका रंग हमें नहीं बदलना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 बड़े चम्मच चीनी, साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से मावा का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। अब मैं इसे थोड़ी देर मिक्स कर लूंगी। इसे मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कप पानी। यहाँ पे मैंने 1/4 कप करके 2 बार पानी डाला है, यानी कि 1/2 कप पानी। अब पानी को अच्छी तरह से मिक्स होने देंगे और इसे सूखने देंगे। लगातार चलाते हुए मावा को हमें पकाना है। देखिए यहाँ पे मावा थोड़ा सा टाइट हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, मतलब हमारा जो मावा है वो बन के तैयार हो गया है। फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे 2 इलायची भी डाल दिया था। अब मावा को मैंने एक प्लेट पर निकाल के रख दिया है। अब मैंने एक बाउल पे ले लिया है 1 कप चावल का आटा। उसमें मैं डाल दे रही हूँ चुटकी भर नमक, साथ ही में मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच घी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिलाने के बाद इसे गर्म पानी से गूंथना है। चावल के आटे को हमेशा गर्म पानी से ही गूंथा जाता है, ठंडे पानी से गूंथने से ये फट जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे गरम रहते रहते ही गूंथ लेना है। तो मैंने अपने हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से गूंथ लिया है और एक सॉफ्ट डो बना लिया है। अब मैं इससे लोई निकालूंगी। आपको जिस साइज़ की मोदक बनानी है उस साइज़ की लोई आप बना लीजिए। लोई बन गई है। अब मोदक कैसे बनाया है वो दिखाती हूँ। एक लोई ले लिया है, उसका पहले मैंने पेड़ा बनाया है। अब पेड़े का मैंने कटोरी बनाया है। कटोरी बनाने के बाद उसके अंदर मैंने स्टफिंग को रख दिया है। स्टफिंग को रखने के बाद ऊपर से दबाते हुए मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दिया है और हाथों की मदद से एक अच्छा सा शेप दे दिया है ताकि ये मोदक की तरह देखने लगे। अब एक चम्मच की मदद से मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया है ताकि ये और खूबसूरत दिखने लगे। तो हमारा जो मोदक है सारा बन के तैयार है। अब हमें स्टीम करना है। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 250 ml पानी, यानी कि 1 कप पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैंने एक थाली में घी से ग्रीसिंग कर लिया है। अब मैं इसमें सारे मोदकों को रख दूंगी। अच्छी तरह से फैलाकर मैंने मोदकों को थाली के ऊपर रख दिया है। इसे हमें स्टीम करने के लिए कढ़ाई पर रखना है। कढ़ाई का पानी गर्म हो गया है, इसमें मैंने रख दिया है एक स्टैंड। उसके ऊपर रख देती हूँ यह थाली और कढ़ाई को ऊपर से ढक देती हूँ। यहाँ पे ढक्कन पे जो छेद है इसे भी हमें बंद करना है। तो एक कागज़ की मदद से मैंने इसे बंद कर दिया है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। इसे मैंने धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाया है और हमारा मोदक जो है बनके तैयार हो गया है। इसे अब एक प्लेट पर निकाल ले रहे हैं। इसे थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप इसे चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, पूरी तरह से ऑप्शनल है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।